हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्फ लर्निंग। आप सभी का स्वागत है एक और शॉकिंग न्यूज के साथ में कि आपका पेपर जो 18 जून का था, जो आप देने गए थे, कई स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से देकर आए थे, वो रद्द कर दिया गया था। क्यों कर दिया गया था? क्योंकि ऐसी बात बताई जा रही थी कि पेपर लीक हुआ है। लेकिन अब ये बात आ रही है सामने, सीबीआई ने जांच कर ली है और जांच करने के बाद उन्होंने ये बताया कि नहीं हुआ था लीक पेपर। पेपर ऐसा कुछ नहीं हुआ था कि गड़बड़ी हुई थी कि लीक हो गया था। हाँ, ये जरूर था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ किया था, किसी बच्चे ने स्क्रीनशॉट वगैरह लेकर इस तरीके की गड़बड़ी की थी। इसको संकेत सामने आए थे ऐसे, इस वजह से आनन फानन में एनटीए ने परीक्षा को रद्द कर दिया। ठीक है, तो कुल मिला के कंक्लूजन ये निकल रहा है कि पेपर लीक नहीं हुआ है, कुछ थोड़ी बहुत गड़बड़ी हुई है। ठीक है, अब वो गड़बड़ी कितनी हुई थी, क्या हुई थी, ये अलग बात हो गई। लेकिन अब हमारे सामने एक प्रॉब्लम बन रही है कि जैसा कि आप जानते हैं कि पेपर जो है आपका 18 जून का था, वो रद्द कर दिया गया था और नई डेट जारी कर दी गई है 21 अगस्त से लेकर 4 सितंबर तक आपका ऑनलाइन माध्यम से आपका एग्जाम होगा। ठीक है, अब दिक्कत ये आ रही है, क्वेश्चन ये आ रहा है सबसे बड़ा कि एग्जाम होगा या नहीं होगा। ऐसा तो नहीं है कि अब जब लीक हुआ ही नहीं था तो जो वो परीक्षा रद्द की गई थी उसे वापस से मान लिया जाए और आपके उसी एग्जाम के बेस पे रिजल्ट निकाल दिए जाए। क्या ऐसा होगा? क्या ऐसा होगा कि नहीं भाई, रद्द कर दिया कर दिया, अब तो कैंसिल कर दी कर दी, लेकिन अब आपका एग्जाम जब घोषित कर दिया है तो वापस से एग्जाम होगा। लेकिन ऐसी मैं इतना वेट इसी वजह से कर रही थी इस के लिए, वीडियो बनाने के लिए, कि कुछ ऐसी सूचना आ जाए, पर अभी तक ऐसी एनटीए ने कोई सूचना जारी नहीं की है। तो मेरी जो गट फीलिंग ये कह रही है कि थोड़ी बहुत तो क्रेडिबिलिटी रखेगी एनटीए अपनी, और अगर उन्होंने ये डिक्लेयर किया है कि पेपर आपका 21 अगस्त से लेकर 4 सितंबर के बीच में होना है, ठीक है, रिकंडक्ट कराया जाएगा, तो उस पर कायम रहेंगे, है ना, आपका एग्जाम रिकंडक्ट वो करवाएंगे। ठीक है, एनीवेज जो भी होगा, 2-4 दिन में आपके एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर ये वो डाल देंगे, ऑफिशियल नोटिस डाल देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि आखिर में क्या होने वाला है, एक्चुअल में री एग्जाम होगा या नहीं होगा, या फिर उसी को मान्य कर लिया जाएगा, क्योंकि वो कह देंगे भाई जब लीक ही नहीं हुआ तो परीक्षा अच्छी खासी हो गई थी तो हम उसको मान्य करते हुए रिजल्ट डिक्लेयर कर देते हैं। लेकिन ये सारी हवा में बातें हैं, जब तक हमारे पास में कोई नोटिस नहीं आ जाता ऑफिशियल, तब तक हम यही मान के चलेंगे कि आपका पेपर जो है वो 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच में होना है, ये तय है। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं वो करते रहें, इसमें 2-4 दिन अपने बर्बाद ना करें, क्योंकि ये एक पैटर्न बन गया है। पहले पेपर लीक के बारे में फैला दिया जाता है कि पेपर लीक हो गया है, पेपर कैंसिल होगा, पोस्टपोन होगा, लेकिन वो नहीं होता है, पेपर हो जाता है, हो जाने के बाद पेपर रद्द कर दिया जाता है, फिर उसके बाद रीड एग्जाम की डेट आती है, फिर बच्चे पढ़ना शुरू करते हैं जैसे तैसे, फिर बात आती है कि भाई हुआ ही नहीं था, है ना, तो समय बर्बाद होता है कुल मिला के आपका। तो अपना कंसंट्रेशन जो है वो अभी भी इस पर फोकस बनाकर रखें कि आपका एग्जाम होगा, अपनी पढ़ाई जारी रखें। अगर नहीं हुआ, 1% मान के चलते हैं री एग्जाम नहीं हुआ, तो क्या होगा? अगर आपने पहले दिया था पेपर तो उसी का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर अच्छा गया था तो अच्छी बात है, नहीं गया था अच्छा तो दिसंबर वाले के लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो बेस्ट यही है कि अपनी प्रिपरेशन पर ध्यान दें। अगर आपका सब्जेक्ट एजुकेशन है तो आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं, हमारे वीडियोस को चेक कर सकते हैं, और अगर आपका पेपर वन, सभी का होता है, पेपर वन के लिए कंप्लीट कोर्स हमारे इसमें डला हुआ है फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई शुल्क इसके लिए नहीं आपको देनी है, तो आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाकर पेपर वन का कंप्लीट कोर्स चेक कर सकते हैं। ठीक है, चार्जेस कोई नहीं है, फ्री है, सभी स्टूडेंट्स के लिए सब कुछ फ्री है, तो आप जाकर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए है तो आप हमारे एप्लीकेशन पे जा सकते हैं, नोट्स आपको मिल जाएंगे। 15 जुलाई तक डिस्काउंट चल रहा है, फ्लैट 20% का डिस्काउंट हर तरीके के नोट्स और हर तरीके की टेस्ट सीरीज में, तो आप जाकर 20% डिस्काउंट में परचेस कर सकते हैं, बहुत ही कम, बहुत ही माइनर दामों में आपको अच्छे नोट्स और अच्छी टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। ठीक है, तो एक बार जरूर चेक करें हमारा एप्लीकेशन, एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों में मिल जाएगी, तो एक बार चेक करें और अपनी तैयारी करते रहें। जैसे ही कोई और न्यूज मिलती है इससे संबंधित कि आपका पेपर होगा नहीं होगा, तब ऑथेंटिक न्यूज मिलेगी तो मैं आप तक जरूर शेयर करूंगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि ये सब कुछ तो होता ही रहता है, सिर्फ दिमाग खराब करता है और कुछ नहीं होता इसका नतीजा। अपनी राय जो भी हो आपकी कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, और इस वीडियो को मैं यहीं फिनिश करती हूँ। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।